और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी धारी देवी मंदिर पहुंचे हैं दर्शन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारी देवी मंदिर में किए हैं, स्थानीय जनता ने सीएम धामी का यहां भव्य स्वागत भी किया है। सीएम ने मां धारी देवी में दर्शन किए और मां धारी देवी का आशीर्वाद लिया है। मंदिर में विधि विधान से सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत उपस्थित रहे। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से की बातचीत। सीएम धामी को अपने बीच देख श्रद्धालुओं के खिले चेहरे। व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से लिया फीडबैक। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं श्रीनगर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी धारी देवी मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह जो है सीएम धामी ने धारी देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की है, मां धारी देवी का आशीर्वाद लिया है, साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। और इस दौरान वो श्रद्धालुओं से भी मिले हैं और व्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं से फीडबैक भी लिया है। सपुत्र सपाद वर्षा घर चतुष्टि धंधा सबकर्दम सर्वाभिष्ट फल प्राप्त काम कर्म अर्पित श्री माँ काली पूजना सही देवता धैर्वायु का देवता कृष्णा तथा पंचधारा माम भद्रे भद्र सिंचनम अक्षतम अपशर्वन्ति भूता भिन्नम बालिके नमान्यते कर्षणम सुभद्रिकाम कांपिलवाशनिम महा ओम नमो दिव्ये नियत प्रणता सुधाम दुर्गा दिव्ये नमः स्वाहा ओम यतो यत समय श्री ततो नो अवयन कुरु ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवता भो नमः यज्ञ मंडप दीप नाथाय नमः ओम। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में जनगणना विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि कभी भी जनगणना के संकेत केंद्र से मिल सकते हैं, जिसके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनगणना से संबंधित अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि 2021 में कोविड के कारण जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आने वाले कुछ समय में जनगणना के आदेश मिल सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि जनगणना दो तरह से की जाती रही है, जिसमें पहले दौर में मकानों की स्थिति और उनकी गणना की जाती है, जबकि दूसरे दौर में व्यक्तियों की गणना की जाती है। कहा कि जैसे ही केंद्र से आदेश प्राप्त होंगे, हमारा विभाग मतगणना के कार्यों में सक्रिय हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कभी भी जनगणना का जो संकेत है मिल सकता है, उससे पहले अपने यहाँ जो अधिकारी उनसे मेरा बैठना हुआ है। और आप जानते हैं 2021 में जब जनगणना होनी थी तो उस समय कोविड के कारण रुका, और आज 2024 में है। ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि कभी भी जनगणना का संकेत होगा तो उससे पहले हमारी तैयारी रहे, हम लोग किस प्रकार से जनगणना कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो उस तरह से हमारा बैठना हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि जनगणना दो तरह से होती है, पहले जो हाउसेज है मकान है उनकी जनगणना होती है, फिर व्यक्तियों की जनगणना होती है। तो अब नई टेक्नोलॉजी है, अब क्या संकेत आता है उसके आधार पर फिर हम लोग जनगणना का जो हमारा यहाँ का विभाग हो सक्रिय होगा। मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में 41वां वार्षिक खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भारत की पहली महिला एडवेंचर बेस जंपर अर्चना सरदाना ने मार्च पास्ट की सलामी ली और खेलों के शुभारंभ की घोषणा की। इस मौके पर छात्राओं के तीनों सदनों ने मैदान में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस मौके पर विभिन्न खेल प्रतिभागियों का आयोजन यहां पर किया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई गई। इस मौके पर बेस जंपर अर्चना सरदाना ने कहा कि खेल जहां स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, वहीं मानसिक विकास और नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन को जीना सिखाता है और जीतने हारने से जो सीख मिलती है उसे स्वीकार करना सिखाता है। दीपावली के मौके पर बाजारों में पटाखों की अस्थायी दुकान लगेगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। दरअसल एसडीएम स्मिता परमार और सीईओ संदीप नेगी ने कोतवाली में व्यापारियों के साथ बैठक की, जिसमें बाजारों में पटाखे की अस्थायी दुकान लगाने को लेकर चर्चा हुई। व्यापारियों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाजार में पटाखों की अस्थायी दुकान लगाने के लिए परमिशन देने की मांग की है, लेकिन एसडीएम
संकरी सड़कों पर भीड़भाड़ और आगजनी की घटना होने का हवाला देकर पटाखे की दुकान शहर से बाहर लगाने पर जोर देने लगी, जिस पर व्यापारियों ने एतराज जताया। व्यापारी अपनी मांग पर अड़े रहे तो बैठक में बाजार में पटाखे की अस्थायी दुकानें लगाने पर कोई निर्णय नहीं निकल सका। एसडीएम ने बताया कि जल्द ही पुलिस और उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करने के बाद दूसरी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। सीओ संदीप नेगी ने बताया कि बैठक में फायर सर्विस और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एफएसओ और ट्रैफिक इंचार्ज को बेहतर व्यवस्था बनाने के साथ कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। दीपावली का पर्व है, उसमें किस तरह से हमारी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, फायर की जो व्यवस्था रहेगी, और साथ ही हमें पटाखा के लाइसेंस, पटाखा दुकानों के लाइसेंस निर्गत करने के लिए भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो उसके संबंध में भी वार्ता हुई है हमारी व्यापार संघ से। तो ये 3-4 मुद्दे थे जिनके संबंध में हमने डिस्कशन किया। क्या डिसीजन लिया गया, क्या निर्देश होंगे? खुले में लगा लिया वो, अभी हम पिछले मतलब इससे पहले क्या व्यवस्था रही है यहाँ ऋषिकेश में, उसको भी हम पुलिस के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और मतलब सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए फिर एक उसमें एक निर्णय लिया जाएगा। नगरपालिका परिषद मसूरी द्वारा लगातार गिरासू भवनों को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगरपालिका ने पूर्व के गांधी शताब्दी अस्पताल, जिसमें वर्तमान में ईएसआई का अस्पताल चल रहा है, उसे तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी के 19 गिरासू भवनों को तोड़ा जाना है, जिसमें कई भवन स्वामियों द्वारा स्वयं अपने भवनों को तोड़ा जा रहा है, और जिन भवनों को नगरपालिका द्वारा तोड़ा जाएगा उसका सारा व्यय भवन स्वामी द्वारा दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजेश निथानी ने बताया कि मसूरी में 17 गिरासू भवन चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से 10 भवनों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसमें से 6 संपत्ति स्वामियों ने खुद अपने भवन तोड़े, बाकी नगर पालिका ने तोड़ दिए हैं। वहीं 3 भवनों पर कोर्ट के स्थगन आदेश आए हैं, जिसे विधिक राय के लिए डीजीसी को भेज दिया गया है। उनकी राय आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 17 में से 10 कुछ नगर पालिका ने स्वयं तोड़े और कुछ भवन स्वामी द्वारा स्वयं तोड़ दिए गए हैं। आज हमारी उस पे जो आई हॉस्पिटल था उस पे नगर पालिका कार्रवाई कर रही है, तो इसके सहित आई हॉस्पिटल सहित 10 अभी तक हम तोड़ चुके हैं। 3 प्रॉपर्टियों में कोर्ट के स्टे आए हैं, जो हमने लीगल ओपिनियन के लिए डीजीसी को भेजे हुए हैं। वहां से जो भी लीगल ओपिनियन आएगी उसके बाद उसमें कार्रवाई की जाएगी, और ये पूरे जब तक 17 पे कार्रवाई नहीं हो जाती ये अभियान जारी रहेगा। सर कुछ लोगों ने तोड़ दिया, इसमें 6 लोग हैं जिन्होंने स्वयं अपना तोड़ना शुरू कर दिया है, कुछ ने तोड़ भी दिया है, कुछ पे कार्रवाई चल रही है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिशासी अभियंता के आदेश पर की गई कार्रवाई, देहरादून के बंगी पुलिया बालावाला के पास मंजीत जौहर की लगभग 15 बीघे अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। जेई प्रमोद मेहरा, जेई अनुज पांडे, रजनीश सुपरवाइजर अजय और पुलिस बल के साथ अवैध प्लॉटिंग को किया ध्वस्त। अवैध प्लॉटिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, कहना बंशीधर तिवारी का। प्लॉटिंग से संबंधित प्राधिकरण के नियमों का पालन करके प्लॉटिंग का कार्य करें। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एमडीडीए का अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी। तो वहीं बालाहिसार स्थित बाबा बुल्ले शाह का 36वां सालाना उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान नजीबाबाद से आए कव्वालों द्वारा कव्वालियों की प्रस्तुति की गई। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं द्वारा बाबा बुल्ले शाह की मजार पर चादर चढ़ाई गई और अमन चैन की दुआएं मांगी गई। सालाना उर्स में सभी धर्म के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। बाबा बुल्ले शाह दरगाह समिति के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बीते 36 सालों से बाबा का उर्स मनाया जाता रहा है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर मन्नतें मांगते हैं। इस मौके पर इरफान अहमद ने कहा कि पूरे भारतवर्ष से उर्स में लोग शामिल होने आते हैं और यहां आकर उनकी मन्नतें पूरी होती है। जनपद टिहरी के मुनिकीरेती क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद फरार हुए आरोपी को पुलिस ने राजस्थान के चुरू से गिरफ्तार कर लिया है, और आरोपी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। मुनिकीरेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि घटना 2 सितंबर 2024 की है। पीड़िता के पिता की तहरीर मिलने पर पुलिस ने एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मामले में मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की। नाबालिग से बातचीत भी की, जानकारी मिली कि नाबालिग के साथ 2 युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद ढालावाल चौकी प्रभारी आशीष शर्मा और महिला उप निरीक्षक दीपिका तिवारी ने मिलकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
जबकि दूसरा आरोपी शहर छोड़कर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के चुरू से गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान मोहित निवासी श्यामपुर ऋषिकेश के रूप में हुई है। तो वहीं ऋषिकेश के निकट मुनिक रेती थाना पुलिस और एसओजी ने मिलकर शिवपुरी में शराब और बियर से भरा एक लूडर वाहन पकड़ा है। शराब की 20 और बियर की 5 पेटी वाहन से बरामद हुई। पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में वाहन सवार ड्राइवर सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश करने के लिए भेज दिया है। मामले का खुलासा पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया। उन्होंने बताया कि तस्करों की पहचान अमन कुमार और मोहसिन निवासी बिजनौर के रूप में हुई है। मुनिकरेती थाना इंस्पेक्टर रितेश साह और एसओजी प्रभारी प्रदीप चौहान ने दोनों तस्करों से पूछताछ की, जिससे पता चला कि साहिल नाम का शराब माफिया देहरादून में गोदाम बनाकर शराब का धंधा कर रहा है, जो पंजाब हरियाणा से सस्ती शराब मंगाकर उत्तराखंड आबकारी के नकली होलोग्राम लगाकर शराब की सप्लाई करता है। छापेमारी के दौरान साहिल गोदाम से फरार हो गया। गोदाम से पुलिस और उत्तराखंड आबकारी के नकली होलोग्राम बरामद हुए। पुलिस ने साहिल की तलाश शुरू कर दी है। इसी प्रकार से एक और बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है। इसमें भी हमारी टीम के द्वारा एक पिकअप को पकड़ा गया था, जिसमें लगभग 25 पेटी शराब बरामद हुई थी, और शराब की जांच करने पर कुछ संदिग्ध प्रतीत होने पर हमारे द्वारा आबकारी निरीक्षक को भी मौके पर बुलाया गया था, और उनके द्वारा देखकर जांच करके बताया गया कि इसमें जो होलोग्राम लगा हुआ है, जो लेबलिंग हुई है, वो नकली है। और इस पर आगे काम करते हुए हमारे द्वारा उनसे पूछताछ की गई अभियुक्तों से, और उनकी निशानदेही पर देहरादून स्थित एक गोदाम में छापा मारा गया, जहां पर बड़ी संख्या में फर्जी होलोग्राम और लेबल्स मिले हैं। और इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है कि ये लोग पंजाब हरियाणा अन्य राज्यों से शराब लेकर आते थे और यहां पर उत्तराखंड की लेबलिंग करके उसको अलग अलग स्थानों पर। और इस बीच ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अवैध निर्माण को लेकर ऋषिकेश प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माणों पर सहायक अभियंता शशांक का कड़ा प्रहार। तिलक मार्ग पर हीरो शोरूम के साथ कॉम्प्लेक्स पार्किंग में दर्जनों बना डाली दुकानों को किया सील। सहायक अभियंता शशांक के नेतृत्व में अवर अभियंता हितेंद्र शर्मा, सुपरवाइजर वीरेंद्र खंडूरी ने पुलिस की मौजूदगी में कॉम्प्लेक्स को किया सील। साधना प्लस न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी खबर। वीरेंद्र पाठक और केशव पाठक ने कॉम्प्लेक्स के पार्किंग में बना डाली थी कई दुकानें। ये शशांक है, इस पर धनबल का नहीं होता है असर। एमडीडीए का राजस्व बढ़ाने के लिए शशांक अवैध निर्माणों पर काल की तरह पड़ता है टूट। आवासीय मंत्री और वीसी तिवारी के निर्देशों पर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई रहेगी जारी। कहना शशांक का, अवैध निर्माण करने वालों हो जाएं सावधान। अब बारी गंगानगर की, जहां 3 मंजिला आवासीय नक्शा पास कराकर बना रहे हैं 6 मंजिला व्यावसायिक फ्लैट। गंगानगर में हो रहे अवैध निर्माणों को भी नहीं बख्शा जाएगा। एमडीडीए का राजस्व नुकसान बर्दाश्त नहीं। आवासीय मानचित्र स्वीकृत में कोई भी ना करे व्यावसायिक निर्माण, व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत कराकर ही करें निर्माण। वही खबर पर जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, लगातार साधना प्लस न्यूज जो है अवैध निर्माण के खिलाफ खबर उठाता रहा है, और एक बार फिर यहां देखें तो हमारी खबर का असर देखने को मिला है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल कहें संदीप, लगातार हम देख रहे हैं कि जहां अवैध निर्माण होते हैं, जहां राजस्व की चोरी हो रही है, लोग लाखों रुपए चूना लगा रहे हैं और अवैध निर्माण कर रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं बातों को जनहित में प्रमुखता से खबर उठाता रहता है। और देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब से ये शशांक सहायक अभियंता आए हैं और लगातार कहीं ना कहीं इनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, जिससे जो प्राधिकरण का राजस्व है वो लगातार बढ़ता रहे। अब जब कार्रवाइयां होंगी तो लोग नक्शा पास कराएंगे और फिर उसका राजस्व वहां पर आएगा, और लगातार जो वीसी हैं बंशीधर तिवारी, आवासीय मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, लगातार उनका यही आदेश है कि जो जितने भी ये अवैध निर्माण हो रहे हैं के खिलाफ कार्रवाई किया जाए और राजस्व ज्यादा से बढ़ाया जा सके एमबीडी का, जिससे क्षेत्रों में विकास हो सके, क्योंकि एमबीडी के पास जितना भी राजस्व आता है उससे क्षेत्रों में विकास का काम किया जाता है। तो इसी चीज को लेकर जो शशांक है वो लगातार अभियान चला रहे हैं और जितने अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सहायक अभियंता शशांक एक तरफ तो पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या अभी और ऐसे निर्माण भी हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिन पर कार्रवाई की जानी है? बहुत सारे ऐसे निर्माण हैं जो बिल्कुल नक्शे के मानचित्र के विरुद्ध कर रहे हैं,
थोड़ा बहुत उन्नीस इक्कीस चलो चलता है, पर लोग बिल्कुल जमीन आसमान का जहाँ फर्क होता है, जहाँ आपने आवासीय जो घर बनाने के नक्शे निर्माण का मानचित्र पास कराया, आप उस पर कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो भी क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी का जो चीज है वो बिल्कुल अलग होती है, उसका जो राजस्व वाला होता है वो अलग होता है, फीस ज्यादा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी चोरी की जाती है और इसके खिलाफ लगातार अभियान चला जाता है। वहीं जो आवासीय मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनका सख्त निर्देश है, साथ में मुख्यमंत्री सीएम धामी की, ज्यादा से ज्यादा जो लोग गलत काम कर रहे हैं और किसी भी अवैध निर्माण जितने भी हो रहे हैं इसमें कोई सिफारिश भी कर रहा था उसमें कोई सुनवाई नहीं की जाए, नियमानुसार कार्रवाई की जाए, और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो सहायक अभियंता शशांक है वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे लोग राजस्व बढ़ेगा और साथ ही लोग नक्शा पास कराएंगे और जो मानचित्र स्वीकृत होगा उन्हीं के अनुसार ही निर्माण करेंगे। ये अभियान शशांक ने ऋषिकेश में क्षेत्र में चला रखा है। बताया भी जा रहा है कि अब अगली बारी गंगानगर की है, जहां पर आवासीय नक्शे पास कराए गए हैं तीन मंजिले के, जबकि वहां पर जो है व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है, छह मंजिला बनाई जा रही है, अब अगला चिन्हित वही किया गया है। हाँ संदीप, गंगानगर है, आसपास के और भी इलाके हैं, क्योंकि लगातार जब क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, पहले क्या होता था डिपार्टमेंट्स में स्टाफ की कमी होती थी, लेकिन अब कहें तो हम चाहे वो सहायक अभियंता हो चाहे अभियंता हो, काफी अधिक संख्या में लोग आ चुके हैं, तो काफी जो जितने भी नए अब लोग यहाँ पर आए हैं सबको अलग अलग कार्यालयों में भेजा गया, जिससे जो स्टाफ की कमी थी वो पूरी हो रही है और जिससे लगातार अब अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी आ रही है और जिससे राजस्व भी बढ़ सकेगा। ये एक अभियान है और मैंने कहा ना इसके कार्रवाई नहीं होती, कई बार स्टाफ नहीं होता बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब सभी जो नए अवर अभियंता और सहायक अभियंता आए हैं सबको ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जिससे कहीं ना कहीं कार्रवाई की अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई में भी इजाफा हो रहा है। एक तरफ तो कमल लगातार कार्रवाई की जा रही है, प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर जो अवैध निर्माण कर रहे हैं वो क्यों नहीं सीख ले रहे, अभी भी उनके दिलों में डर क्यों नहीं बैठ पा रहा है। बिल्कुल सही है, मैंने कहा ना जो चोर है वो चोरी करने से नहीं जाता, जब जेल जाता है तो कहीं ना कहीं जब उसको बड़ी पेनल्टी पड़ती है तो उसको असर आता है, पर धीरे धीरे असर आ रहा है लोगों को, लेकिन फिर भी जब स्थिति जब देख रहे हैं कि इतना हमने सब कुछ बना दिया और उसके बाद जब कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं लोग सजग भी हो रहे हैं, पर अभी भी ऐसे जो टोर टाइप के डकैत टाइप के लोग हैं जिनको अभी भी शर्म नहीं है, वो अभी भी जिनका काम ही चोरी करना है चाहे सरकार के खजाने में डाका डालना है, ये इस टाइप का जो काम कर रहे हैं और उनकी कभी कैसा ना जो चोर होता है उसको कुछ भी हो जाए पर वो चोरी से नहीं जाता, तो इस टाइप के लोग अभी भी हैं और उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ लगातार जितने भी वो अवैध निर्माण ऐसे लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल तो कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको हरिद्वार के अर्की पौड़ी ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है।